हेलो एवरीवन, माय नेम इज प्रेमवदा एंड वेलकम टू वर्ल्ड स्टूडेंट स्कूल। आज का जो हमारा सेशन होने वाला है, जो कि कॉन्टिन्यूशन है हमारे चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का, बट आज का चैप्टर थोड़ा इम्पॉर्टेंट है। आज का टॉपिक थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, रीजन बीइंग कि हम इस टॉपिक में बात करने वाले हैं एटॉमिक मास की, राइट? तो ये कॉन्सेप्ट ऑल्दो काफ़ी ईजी है, बट इसको समझना थोड़ा सा ट्रिकी होगा, राइट? तो इस वजह से इस पर्टिकुलर लेक्चर को बहुत ध्यान से सुनना है, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना है, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी रियली इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर यू, राइट? सो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं एटॉमिक मास से, राइट? सो आजकल जब हम जाते हैं शॉप्स पे शॉपिंग करने, राइट? तो आजकल शॉपिंग करना बहुत आसान हो चुका है, इवन फॉर किड्स ऑल्सो। चाहे छोटे बच्चे चले जाएँ 5th के 6th के, फिर भी दे आर एबल टू बाय सर्टेन थिंग्स। क्यों? क्योंकि अब हमारे आसपास जो है डिजिटल वेइंग मशीन्स आ गई हैं, तो इसलिए बहुत मुश्किल नहीं होता है कुछ भी मेजर करना या वे करना, राइट? बट पहले के टाइम में क्या होता था? पहले के टाइम में तो तराजू होते थे, जैसा आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। तो पहले के टाइम पे क्या होते थे बेटा? तराजू हुआ करते थे जिससे लोग वेइंग करते थे, राइट? एंड कैसे करते थे? अगर आप पिछले टाइम पे जाते, या अभी भी, इनफैक्ट अभी भी ऐसा होता है, जब सब्जी मंडी जाओगे तो आप देखोगे कि तराजू की हेल्प से जो भी वेजिटेबल्स जो बेचते हैं वो आराम से इसको वे कर लेते हैं। बट वे कैसे करते हैं? लेट्स सपोज अगर आप लेने गए हो टमाटर, राइट? अगर आप टोमेटोज लेने गए हो तो क्या करेंगे? वो एक साइड टोमेटोज रख देंगे, राइट? एक साइड टोमेटोज रख देंगे एंड एक साइड रख देंगे जिसको हम बोलते हैं बाट। अगर आपको फॉर एग्जांपल 1 kg का लेना है टमाटो, 1 kg लेने हैं, तो 1 kg का यहाँ पे बाट, वो बहुत बड़ा सा पत्थर होता है जो 1 kg का ही होता है, वो एक साइड रख देते हैं। फिर बीच में अगर तो ये जो आपको लाइन दिख रही है, अगर तो ये बीच में आ जाए, राइट? अगर बैलेंस हो जाए, अगर आपका तराजू बैलेंस्ड है, तो इसका मतलब क्या होता था? इसका मतलब ये है कि आपका जो टोमेटो जो आपने लिया है वो क्या है? 1 kg का कंप्लीट है, राइट? ओके, अब बात करते हैं, ये तो आप सभी को समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे थोड़ा केमिस्ट्री के लैंग्वेज में कि बेसिकली हम ये सारी बातें क्यों कर रहे हैं। सो होता क्या है कि अभी जितने हमारे पास एलिमेंट्स नोन है, क्योंकि हम केमिस्ट्री में क्या पढ़ रहे हैं, वी आर स्टार्टिंग अबाउट एलिमेंट्स, तो अभी तक जितने भी नोन एलिमेंट्स हैं वो कितने हैं? 118 एलिमेंट्स नोन हैं अभी तक, राइट? एंड हर एलिमेंट में क्या, हर एलिमेंट किस चीज़ का बना होता है? अगर मैं बोलूँ आपको देर आर 118 एलिमेंट्स नोन एंड एवरी एलिमेंट इज मेड अप ऑफ एन एटम, हर एलिमेंट एक एटम का बना होता है, राइट? तो जैसे बेटा हर किसी का मास है, आप कुछ भी खरीदने जाते हो हर किसी का आप मास पढ़ते ही पढ़ते हो, तो सिमिलरली एटम्स का भी मास होता है, एटम्स आल्सो हैव मास, राइट? तो अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं बेटा, तो हाइड्रोजन इज वेरी स्मॉल एटम, ठीक है? एंड अगर मैं देखूं तो 1.67 × 10⁻²⁴ ग्राम्स क्या है? मास ऑफ वन हाइड्रोजन एटम, वन एटम ऑफ हाइड्रोजन का इतना मास है, राइट? एक एटम का, ओनली हाइड्रोजन के एक एटम का। बट अब देखो 1.67 × 10⁻², याद रखना कितना मुश्किल है ना, कि अब जा रहे हो एलिमेंट्स में, अब आपको कैलकुलेट करना है, तो आप 1.67 × 10⁻², इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रिमेंबर, राइट? तो ऑब्वियसली साइंटिस्ट ने ये सोचा कि अब ये इतना अगर डिफिकल्ट हो रहा है तो लेट्स फाइंड आउट सम इजियर वे, कि थोड़ा आसान तरीका हो जाए। तो यहाँ पे हम क्या कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं बेसिकली, यहाँ पे हम क्या कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, या अगर हम जैसे मार्केट में लेने गए टमाटर, तो हम क्या कॉन्सेप्ट हमने किया कि एक किलो का पत्थर वो बराबर है 1 kg टमाटर के। तो मतलब हम वो 1 kg का पत्थर से वो जो 1 kg हमारे पास टमाटर, नंबर ऑफ टमाटोज हमने रखे हैं, वो दोनों आपस में रिलेट कर रहे हैं, उनका वेट आपस में मिल रहा है, मिलता जुलता है, राइट?
तो उस कॉन्सेप्ट को हम क्या बोलते हैं, उस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं रिलेटिव मास। क्या बोलते हैं उस कॉन्सेप्ट को, उस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं हम रिलेटिव मास। क्लियर? अच्छा, तो सेम जो हम शॉप पे जाके कर रहे हैं बेटा, क्योंकि वी आर स्टडिंग केमिस्ट्री एंड साइंटिस्ट को भी बेटा केमिस्ट्री वो पढ़ते हैं टू फाइंड आउट डिफरेंट यू नो एक्सपेरिमेंटेशंस, इतने एक्सपेरिमेंट्स करते हैं राइट तो बेटा उनको भी मासेस की ज़रूरत पड़ती है। फॉर एग्जांपल अगर उनको कोई रिएक्शन करना हुआ एंड फॉर एग्जांपल इफ दे आर टेकिंग सम कंपाउंड्स, तो कंपाउंड का कितना वेट है ये हर साइंटिस्ट को पता होना चाहिए, और कैसे उनको लेना है, कैसे मेजर करना है वो पता होना चाहिए, क्योंकि बेटा कंपाउंड्स तो पाउडर ही भी होते हैं। अब आप शॉप पे जाओ तो शॉप पे तो आपको बड़े बड़े टमाटर दिख रहे होते हैं, बड़े बड़े एप्पल्स दिख रहे होते हैं राइट, बट सच केस इज नॉट इन द लैबोरेटरीज राइट। तो उनको तो बेटा, उनको तो कुछ फाइंड आउट करना पड़ेगा ना कि वो कैसे मेजर कर सकते हैं इन सारी चीजों को राइट। तो उन्होंने सोचा हम भी किसी एक एटम का रिलेटिव मास ले लेते हैं कि लेट्स सपोज हमारे पास 118 एलिमेंट हैं, तो हर एक एलिमेंट के लिए एक स्टैंडर्ड एटॉमिक मास होना चाहिए, स्टैंडर्ड एटॉमिक मास होना चाहिए राइट। तो पहले उन्होंने स्टैंडर्ड एटॉमिक मास लिया था हाइड्रोजन को ही, जो हाइड्रोजन का मैंने आपको एटॉमिक मास लिखा हुआ है एक एटम का, उन्होंने सोचा चलो इसी का ले लेते हैं, तो वन एटम ऑफ हाइड्रोजन ठीक है ये ले लिया इन्होंने। तो उन्होंने सोचा कि एक एलिमेंट का एटम का जो मास होगा वो होगा एक एटम ऑफ हाइड्रोजन के बराबर। इसका मतलब अगर मैं आपको तराजू की लैंग्वेज में बताऊं तो बेसिकली व्हाट आई एम सेइंग इज, लेट मी इरेज इट फर्स्ट। तो अगर मैं आपको इसके भाषा में समझाऊं तो व्हाट आई सी इज, हाँ जी जस्ट अ सेकेंड, हाँ जी, तो मैं अगर आपको तराजू की लैंग्वेज में समझाऊं तो यहां पे लेट्स सपोज मैंने लिख दिया है वन रैंडम एलिमेंट, कोई भी रैंडम एलिमेंट है राइट, वन रैंडम एलिमेंट, एनी रैंडम एलिमेंट, एंड नॉट रैंडम, नॉट वन रैंडम एलिमेंट, वन एटम ऑफ रैंडम एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट हो सकता है। यहां पे मैं सोडियम भी लिख सकती हूँ, पोटेशियम भी लिख सकती हूँ, और कैल्शियम भी लिख सकती हूँ, कोई भी एलिमेंट हो सकता है। तो कहने का क्या मतलब कि पहले उन्होंने बोला कि वो इक्वल होगा वन एटम ऑफ हाइड्रोजन के बराबर होएगा वो, समझ आ गया। तो यहां पे ऐसे वेइंग चल रही थी, बट जब उन्होंने फर्दर कैलकुलेशंस की तो उन्हें ये समझ में आने लग गया कि ये जो नंबर है वन एटॉमिक, एक एटॉमिक मास जो है हाइड्रोजन का, वो तो पॉइंट्स में वैल्यूज दे रहा है। जब कैलकुलेशन किया तो देखा कि पॉइंट्स में वैल्यूज दे रहा है, तो उन्होंने सोचा कि नहीं, पॉइंट्स में वैल्यूज तो नहीं आनी चाहिए, सिंगल डिजिट वैल्यू आनी चाहिए। तो उन्होंने थोड़ा सा और दिमाग लड़ाया, साइंटिस्ट ने थोड़ा और दिमाग दौड़ाया कि क्या हम ऑक्सीजन के ले सकते हैं कि नहीं, क्या हम ऑक्सीजन प्रेफर कर सकते हैं या नहीं टू मेजर देयर एटॉमिक मास ऑफ अ पर्टिकुलर एलिमेंट। बट उन्हें ऑक्सीजन का भी इतना जमा नहीं कि नहीं ऑक्सीजन तो नहीं जाएगा इस चीज़ से। तो आफ्टर रिसर्चिंग अ लॉट, बहुत ज़्यादा रिसर्च करने के बाद दे केम टू अ कंक्लूजन कि उन्होंने एलिमेंट लिया कार्बन, दे टुक कार्बन एज एन एलिमेंट, एंड उन्होंने सोचा कि क्यों ना कार्बन ट्राई किया जाए, कि लेट अस ट्राई कार्बन रिलेटिव मास निकालने के लिए। तो जब दे वर स्टडिंग कार्बन के एटम्स तो दे फाउंड आउट कि कार्बन हैज डिफरेंट आइसोटोप्स, कार्बन हैज डिफरेंट आइसोटोप्स, एंड वो आइसोटोप्स कौन कौन से थे, वो आइसोटोप्स थे C12, C13 एंड C14। तो उन्होंने देखा तीन टाइप के आइसोटोप्स हैं। अभी आइसोटोप्स क्या होते हैं कि बेटा कार्बन का एटॉमिक नंबर तो 6 होता है, लेकिन जो उसका वेट है, उसका वेट वो तीन फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, तीन टाइप के वेट्स कह सकते हैं, कि जो उसका भार होता है, डेंसिटी होती है, वो तीन तरीके की होती है, जिसका हम नाम ले लेते हैं बेटा, एक C12 होता है, एक C13 है, एक C14 है। तो अगर आप बेटा मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स अगर आप रीड करोगे
या आप उसको इफ यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड फाइंड आउट द वैल्यू, तो यू विल फाइंड आउट कि जो C12 है वो 99.9% कार्बन एटम्स में होता है. मतलब उसका वेट जो है वो इट इज समवॉट नियर टू C12, राइट. एंड C12 का जब उन्होंने एटॉमिक मास निकाला, तो जब उन्होंने मेजर करना स्टार्ट किया बाकी एलिमेंट्स के इक्विवेलेंट, तो उन्हें लगा कि नहीं, ये तो ठीक है, ये वैल्यू कुछ सही लग रही है. तो उनको लगा कि नहीं नहीं ये वैल्यू इसी वैल्यू के साथ करना चाहिए. तो फिर उन्होंने आफ्टर रिसर्चिंग उन्होंने क्या बताया कि वन एटम ऑफ C12 इज इक्वल टू वन एटम ऑफ एन एलिमेंट. कोई भी एलिमेंट हो सकता है. एलिमेंट का एक एटम को किसके इक्वल बताया, जो एटॉमिक मास था C12 कार्बन का. तो यहां पे जो हम बाट की बात कर रहे थे बेटा, पत्थर के बाट की, वो पत्थर का बाट हो गया कौन, एक एटम C12 का. एंड जो आपको खरीदना है वो हो गया कोई भी एलिमेंट का एक एटम, राइट. तो ये क्या हुआ, ऐसे रिलेटिव मास निकाला. बाकी एलिमेंट्स के लिए कौन सा, क्या इन्होंने एटम चूज किया है, C12, राइट. सो दैट इज हाउ डिड इट. एंड ये किया किसने, सो देयर वाज एन साइंटिस्ट जिसका नाम था डाल्टन. सो यस, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी प्रपोज द आइडिया ऑफ एटॉमिक मास व्हिच एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन सो वेल. कांस्टेंट प्रोपोर्शन का मतलब क्या हुआ, जैसे हमने प्रोपोर्शन निकाला कि एक एलिमेंट के एक एटम जो है वो एक एटम ऑफ C12 के बराबर है, रिलेटिव मास है, उसका रिलेटिव मास उसी के इक्वल आ रहा है. तो इससे क्या हुआ बेटा, जो आपको वैल्यू मिल रही थी, जो आपको प्रोपोर्शंस मिल रहे थे, वो कांस्टेंट थे, उनकी वैल्यू कांस्टेंट आ रही थी, वो चेंज नहीं हो रही थी. क्लियर, वो चेंज नहीं हो रही थी. सो उसी को बेटा, द मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड एज एटॉमिक मास. और यही डाल्टन ने फिर बोला भी कि जो आप एक एटम का मास निकालते हो उसको आप बोलते हो एटॉमिक मास. तो ये कुछ थ्योरी, ये कुछ फैक्ट्स, ये किसने दिए थे, डाल्टन ने दिए थे, ही वाज अ साइंटिस्ट, ठीक है, आफ्टर डूइंग अ लॉट ऑफ रिसर्च. एंड ये काफ़ी एक्यूरेट भी है. अगर आप सॉल्व कर रहे हो, अगर आप एक एटॉमिक मास यूनिट निकालना चाहते हो आप, तो इस तरीके से अगर आप सॉल्व करोगे बाय रिलेटिंग इट विद द वन एटम ऑफ C12 कार्बन, तो इट इज क्वाइट रिलायबल, राइट. सो द एटॉमिक मास यूनिट इज डिफाइंड एज, कैसे डिफाइन किया एटॉमिक मास यूनिट को, इसकी डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो द एटॉमिक मास यूनिट, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं AMU, कैसे निकालते हो आप, इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ मास इक्वल टू 1/12 ऑफ मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12. अब देखो, अब यहां समझने वाली थोड़ी और बातें आ गई हैं. तो लेट्स सपोज ये मैंने तराजू बनाया, ठीक है, ये मैंने तराजू बनाया है, एक प्लेट मैंने यहां लगा दी तराजू के लिए, राइट, एंड दूसरा आपने यहां बना दिया है, राइट, यहां भी बना दिया. अब चलो मैं फिर गई शॉप पे किसी दिन, ठीक है, एंड आई वॉन्टेड टू बाय एन एप्पल. मैंने सोचा मैं एप्पल ले लेती हूँ. तो मैंने उनको बोला कि भैया मेरे को एप्पल चाहिए 1 kg. और जब मैंने उनसे पूछा कि भैया 1 kg ऑफ एप्पल कितने का मिलेगा मुझे, तो उन्होंने बोला कि बेटा 100 rupees का. दे टोल्ड मी कि आपको ये 100 rupees का मिल जाएगा. बट फिर मैंने सोचा कि नहीं, मुझे एप्पल इतना खाने का मूड नहीं है, लेट मी बाय ओनली 1 single apple. तो मैंने उनको बोला कि मुझे सिर्फ एक ही एप्पल चाहिए, आप मुझे ना तोल के बता दो कि मेरे को कितने देने हैं. तो फिर उन्होंने सोचा कि यार मेरे पास 1 kg का तो बाट है, 1 kg वाला पत्थर तो है, अब एक एप्पल के लिए मैं क्या यूज़ करूँ. तो फिर अब क्योंकि मुझे तो आइडिया था कि कैसे फाइंड आउट करने हैं, तो मैंने उनको बोला कि लेट मी ट्राई वंस. तो मैंने बोला आप मुझे एक एप्पल दो, तो उन्होंने मुझे एक एप्पल दिया. तो मैंने एक एप्पल यहाँ रख दिया, राइट. फिर मैंने उनको बोला आप मुझे एक वाटरमेलन दे दो, तो उन्होंने मुझे एक वाटरमेलन भी दे दिया. तो मैंने वाटरमेलन यहाँ रख दिया. अब वाटरमेलन कितने का था, 60 grams का था.
लेकिन इट वॉज हैवी, इट वॉज हैवी एंड ये थोड़ा लाइट था एप्पल। फिर ये प्रॉब्लम आ गई कि ये तो मुझे एग्जैक्ट इसका मिली नहीं इन्फॉर्मेशन, तो मैंने सोचा कि चलो मैं इसको ना काट देती हूँ वाटरमेलन को। तो मैंने क्या किया, वाटरमेलन को मैंने 12 इक्वल पीसेस में काट दिए। कितने? 12 इक्वल पीसेस में मैंने कट कर दिया, जैसे आपको पिक्चर में इमेज में दिख रहा है, 12 इक्वल पीसेस में मैंने काट दिया। फिर मैंने सोचा कि अब इसका कोई भी एक पीस मैं ले लेती हूँ, इसका कोई भी एक पीस मैं ले लेती हूँ और मैं क्या करती हूँ, मैं उससे मेजर करने का ट्राई करती हूँ कि मेरा एप्पल का अब कोई वेट मुझे मिल रहा है या नहीं, राइट? तो ये मैंने रख दिया यहाँ पे एक वाटरमेलन का पीस। तो फिर मैंने देखा, देन आई फाउंड आउट, आई सॉ एंड आई वॉज क्वाइट अमेज्ड कि अच्छा ये तो अब इक्वल आ रहे हैं, नाउ दे आर इक्वल। पहले एक पूरा मैंने वाटरमेलन जब रखा तो वो काफी भारी लग रहा था मुझे, बट नाउ दे बोथ आर इक्वल। अब बात ये आई कि मुझे पता कैसे चलेगा कि वाटरमेलन का अब वेट क्या है, अब क्या वेट है इसका, हाउ डू आई नो इट? तो व्हाट आई डिड वाज कि 60 ग्राम का था और मैंने इसको 12 पीसेस में डिवाइड कर दिया, तो मेरे पास क्या आ गया रिजल्ट, 5 ग्राम आ गया। जब मैंने इसका कैलकुलेशन किया तो 5 ग्राम आ गया। तो इसका मतलब मेरे एक एप्पल का वेट कितना आया, 5 ग्राम आया। तो ये देखा, ये मैंने क्या बनाया, ये मैंने क्या निकाला, ये मैंने फाइंड आउट किया व्हाट, आई फाउंड आउट द रिलेटिव मास हेयर, आई फाउंड आउट द रिलेटिव मास हेयर, क्लियर? तो अब ये लाइन अब आप समझो कि द एटॉमिक मास यूनिट इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ मास इक्वल टू 1/12 ऑफ मास ऑफ एन एटम ऑफ C12। इसका मतलब वन एटम ऑफ एन एलिमेंट, वन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू द मास ऑफ 1/12 ऑफ एन एटम ऑफ C12। मतलब यहां पे वाटरमेलन क्या है, C12 है, और C12 के अगर आप 12 पार्ट्स करते हो तो उसके एक पार्ट इज इक्वल टू 1 atom ऑफ एन एलिमेंट। ये बात सभी को समझ में आ गई कि कार्बन का भी 1/12 वाला भाग इज इक्वल टू 1 atom ऑफ एन एलिमेंट। तो इस हिसाब से हमने क्या फाइंड आउट किया, एटॉमिक मास यूनिट फाइंड आउट किया, राइट? तो अब आप इसकी वैल्यू आप ग्राम और इसमें नहीं लिखोगे बेटा, क्योंकि एटम्स की बात कर रहे हो, एटम्स बहुत छोटे होते हैं, ठीक है? तो आप एटम्स की जो यूनिट यूज करते हो बेटा, वो आप नैनोमीटर्स यूज करते हो, NM। आप उसको ग्राम किलोग्राम नहीं लिखोगे। एटॉमिक मास यूनिट जब हम मेजर करते हैं तो वी ऑलवेज राइट इट इन नैनोमीटर्स, राइट? आई थिंक आपको एटॉमिक मास यूनिट समझ में आ गया होगा। एटॉमिक मास बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये डेफिनेशन अंडरस्टैंड करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर? अब आ जाओ बेटा मॉलिक्यूल पे कि मॉलिक्यूल क्या होते हैं। तो क्या होता है कि कई ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो काफी बिल्कुल इंडिपेंडेंट होते हैं इन नेचर, जो एग्जिस्ट करते हैं। हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं? वी हैव अराउंड 118 एलिमेंट्स विच वी नो, ठीक है? एंड कई एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनको बिल्कुल इंडिपेंडेंट रहना पसंद है कि हमें कोई कुछ मत बोलो, वी आर जस्ट लाइक दिस, हमें तो बहुत मजा आ रहा है, मस्ती कर रहे हैं। बट कई एलिमेंट्स ऐसे होते हैं बेटा जिनको एक फ्रेंड चाहिए होता है, कि अगर बाय चांस उन्हें कहीं जाना हो तो दे नीड अ फ्रेंड, कि नहीं नहीं चलो मेरे साथ चलो, मुझे अकेले नहीं जाना, मुझे अकेले डर लगता है, राइट? तो वो क्या करते हैं, वो अपने एक दूसरे साथी एटम को ढूंढते हैं कि कोई मुझे और मिल जाता। तो दूसरे साथी एटम को के साथ रह के वो एक कंबाइंड स्टेट में आ जाते हैं, फिर वो सिंगल नहीं रहते, फिर वो कंबाइन हो जाते हैं। तो पहले तो एक सिंगल था तो एटम था, अब कंबाइन हो गए तो कंबाइन होके क्या बनाते हैं बेटा, कंबाइन होके दे फॉर्म अ मॉलिक्यूल, कंबाइन होके दे फॉर्म अ मॉलिक्यूल, फिर आप उसको मॉलिक्यूल बोल देते हो, राइट? तो मॉलिक्यूल होता क्या है, मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट आइडेंटिफाइएबल यूनिट इनटू अ प्योर सब्सटेंस मे बी डिवाइडेड व्हाइल रिटेनिंग इट्स कंपोजिशन एंड केमिकल प्रॉपर्टीज इज अ मॉलिक्यूल व्हिच इज अ कलेक्शन ऑफ टू और मोर एटम्स।
थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा ये सारा टर्मिनोलॉजीज पढ़ के, लेकिन मैं आपके लिए ब्रेक डाउन कर देती हूँ. लेट्स सपोज मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ वाटर का. वाटर का फॉर्मूला होता है H2O. तो बेटा वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म होने के लिए दो एटम्स चाहिए, उसको तो मजबूरी है, एक हाइड्रोजन चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, राइट? तो लेट्स सपोज मैंने लिख दिया ये ऑक्सीजन है, ठीक है, एंड ये हाइड्रोजन है और ये भी हाइड्रोजन है. समझ आ गया? तो इन्होंने आपस में फ्रेंडशिप करके एक कंबाइंड स्टेट में आ गए और क्या बना दिया, मॉलिक्यूल बना दिया. अब सुनो ये क्या है बेटा, द स्मॉलेस्ट आइडेंटिफाइएबल यूनिट, ठीक है, इन टू विच अ प्योर सब्सटेंस मे बी डिवाइडेड. इसमें से आप डिवाइड कर सकते हो, आप हाइड्रोजन अलग कर सकते हो, हाइड्रोजन मैं सेपरेट कर सकती हूं, मैं ऑक्सीजन सेपरेट कर सकती हूं, कर सकते हैं ना बेटा, हाइड्रोजन अलग कर सकते हो, ऑक्सीजन अलग कर सकते हो, राइट? फिर उन्होंने क्या बोला है, वाइल रिटेनिंग इट्स कॉम्पोजिशन. यहां से भी मैंने हाइड्रोजन अलग कर दिया. तो बेटा अगर मैं अलग भी कर रही हूं, समझो अगर मैं अलग भी कर रही हूं यहां से एटम्स, तब भी तो मेरे पास दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन ही आ रहा है. फिर भी मैं दो हाइड्रोजन अलग कर रही हूं और एक ऑक्सीजन अलग कर रही हूं, राइट? तो इसका मतलब मेरी कॉम्पोजिशन क्या है, रिटेन हो रही है, मेरी कॉम्पोजिशन खराब नहीं हो रही है, राइट? एंड केमिकल प्रॉपर्टी भी मेरी खराब नहीं हो रही. ये हाइड्रोजन की भी वही प्रॉपर्टी रहेगी, ऑक्सीजन की जो अपनी प्रॉपर्टी है वो भी रहेगी, और इस हाइड्रोजन की भी अपनी जो प्रॉपर्टी है वो भी रहेगी. तो मतलब मैं कुछ ब्रेक नहीं कर रही हूं, मैं किसी की पर्सनालिटी नहीं खराब कर रही हूं, आई एम जस्ट सेपरेटिंग इट. क्लियर? एंड मॉलिक्यूल क्या है, इस हिसाब से हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल इज अ कलेक्शन ऑफ टू और मोर एटम्स. दो या दो से ज्यादा एटम्स को जब आप कलेक्ट करते हो इन अ कंबाइंड स्टेट, देन इट इज कॉल्ड एज अ मॉलिक्यूल. क्लियर? ओके, अब बात करेंगे बेटा मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट्स कैसे बनते हैं. सो अ मॉलिक्यूल इज अ कलेक्शन ऑफ टू और मोर केमिकली बाउंड एटम्स, दैट वी हैव सीन कि केमिकली एक या एक से ज्यादा केमिकली बाउंड अगर आपको एटम्स दिख गए तो वो क्या कहलाते हैं बेटा, दे आर कॉल्ड एज द मॉलिक्यूल्स, वेदर दे आर फ्रॉम द सेम एलिमेंट और अनदर. चाहे वो सेम एलिमेंट के होंगे, चाहे वो दूसरे एलिमेंट के होंगे. कैसे? एग्जाम्पल आपके पास है, वन ऑक्सीजन. अब आप सोच रहे होंगे कि मैम यहां पे तो O2 लिखा हुआ है, राइट? तो मैं आपको बताऊं बेटा, ऑक्सीजन ऐसा एलिमेंट है जिसको अकेले एग्जिस्ट करने में डर लगता है. तो अकेला ऑक्सीजन ऐसे कभी नहीं अकर करेगा, वो कहेगा यार एक और ऑक्सीजन प्लीज आ जाओ मेरे साथ, और फिर मेरे को ना ऐसे डर लगता है, तो वो O2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है? लेकिन अगर आपको जब H2O बनाना है तो आप इसमें से एक ही ऑक्सीजन लोगे. क्लियर? सो फॉर एग्जाम्पल, वेन टू हाइड्रोजन एंड वन ऑक्सीजन एटम्स इंटरैक्ट, वन वाटर मॉलिक्यूल इज क्रिएटेड. समझ में आ गया? ऐसे मॉलिक्यूल फॉर्म होगा, हमने वाटर का एग्जाम्पल अभी भी किया था. अच्छा, उसके अलावा बेटा कुछ एटॉमिसिटी हैं आपके एलिमेंट्स की, जो आपके NCERT में दिखी हुई हैं, कि जो आप एलिमेंट्स पढ़ते हो, जो हम जनरली एलिमेंट्स पढ़ते हैं, तो वो किन किन फॉर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं, कि वो दो के फॉर्म में होते हैं या इंडिपेंडेंट होते हैं, उन्हें किसी की ज़रूरत नहीं होती है, राइट? तो देख लेते हैं. नॉन मेटल्स में बेटा आर्गन है, आर्गन मोनोएटॉमिक है. मोनोएटॉमिक मतलब सिंगल एटम की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, सिंगल एटम की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इंडिपेंडेंट है, इसको किसी की जरूरत नहीं है. हीलियम, ये भी मोनो एटॉमिक है. ऑक्सीजन डाई एटॉमिक है, O2. हाइड्रोजन डाई एटॉमिक, H2. नाइट्रोजन ये भी डाई एटॉमिक है, N2. क्लोरीन डाई एटॉमिक, Cl2. उनको दो एटम्स चाहिए होते हैं एग्जिस्ट करने के लिए, वो अकेले एग्जिस्ट नहीं करते एटमोसफेयर में, राइट? फॉस्फोरस, अब फॉस्फोरस को चार एटम्स चाहिए होते हैं फॉस्फोरस के एग्जिस्ट करने के लिए, और सल्फर तो उससे भी ज्यादा अकेला, S8, उसको 8 एटम्स चाहिए होते हैं एग्जिस्ट करने के लिए. पॉलीएटॉमिक, एक से ज्यादा, दो से ज्यादा, पॉलीएटॉमिक, ठीक है? मेटल्स में बेटा सोडियम, सोडियम मोनोएटॉमिक, Na, ठीक है? आयरन मोनोएटॉमिक, Fe, ये भी मोनोएटॉमिक फॉर्म में होता है. एल्यूमिनियम, ये भी मोनोटॉमिक होता है, Al की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. कॉपर इज ऑल्सो मोनोटॉमिक, Cu की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. समझ में आ गया?
तो आप देख सकते हो बेटा कुछ एलिमेंट्स जो हैं वो अकेले भी एग्जिस्ट करते हैं, उन्हें किसी की ज़रूरत नहीं है। कई एलिमेंट्स होते हैं जिनको फ्रेंड चाहिए होता है तो वो डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, राइट। अब देखो मॉलिक्यूल्स ऑफ एन कंपाउंड, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड क्या है? सो सॉल्ट्स एंड मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स आर द टू कैटेगरीज इन विच कंपाउंड्स कैन बी डिवाइडेड। जब आप कंपाउंड फॉर्म करते हो बेटा, कंपाउंड क्या होता है? थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है एलिमेंट्स से, क्योंकि एलिमेंट्स तो सिंपल सिंपल चल रहे होते हैं, N2, H2, Cl2, सिंपल है। कंपाउंड में जब आप बहुत कुछ देख लेते हो, ओहो हाइड्रोजन भी आ गया, ऑक्सीजन भी आ गया, बॉन्ड भी आ गए, चार चार हाइड्रोजन है, एक कार्बन है, तो कई सारे एलिमेंट्स जब आ जाते हैं, ठीक है। तो जब आप कंपाउंड फॉर्मेशन की बात करते हो तो बेटा आप सॉल्ट्स की बात करते हो, या तो आप सॉल्ट्स की बात करते हो। सॉल्ट्स क्या है? सॉलिड फॉर्म में जो कंपाउंड फॉर्म होते हैं, पाउडर फॉर्म में। नमक नहीं होता बेटा, सॉल्ट वो होता है जो सॉलिड फॉर्म में जो कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं, ठीक है, सॉल्ट्स हो गए। और मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स जो है टू कैटेगरीज जो है जिसमें हम कंपाउंड को डिवाइड करते हैं। तो बेटा कोवेलेंट बॉन्ड्स होल्ड द एटम्स टुगेदर इन मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूल्स, आयनिक बॉन्ड्स होल्ड इट इन द सॉल्ट। जब मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स बनते हैं बेटा, जब मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स बनते हैं तो कोवेलेंट बॉन्ड से वो ज्वाइन होते हैं। देखो कंपाउंड की फॉर्मेशन में बेटा बॉन्ड बनते हैं, क्योंकि आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो बेटा केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। तो केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन में बेटा दो तरीके के बॉन्ड्स बनते हैं। एक सबसे पहले बनता है आयनिक बॉन्ड बनता है, एक बनता है कोवेलेंट बॉन्ड। अब हमें यह पता है बेटा कि जो एलिमेंट्स हैं उनके कुछ ना कुछ एटॉमिक नंबर्स होते हैं, एंड आपने ये भी पढ़ा होगा या ये भी आपने अभी तक समझ में आया होगा आपको कि उनके आउटर मोस्ट शेल में कुछ ना कुछ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, राइट। तो एलिमेंट्स क्या करते हैं, हर एलिमेंट को स्टेबल होना पसंद है, है ना, हमें भी चाहिए स्टेबिलिटी लाइफ में, ऐसे ही एलिमेंट्स को भी चाहिए स्टेबिलिटी, तो वो चाहते हैं कि हमें भी स्टेबल होना है, राइट। तो अब किसी एलिमेंट के आउटर मोस्ट में अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो सोचेगा यार एक इलेक्ट्रॉन का मैं करूं क्या। अब एक इलेक्ट्रॉन मुझे कोई स्टेबिलिटी नहीं दे रहा है, तो क्या करता है, उसको स्टेबिलिटी के लिए अपने आउटर मोस्ट में चाहिए होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन। उसको अपने आउटर मोस्ट में चाहिए होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन। लेट्स सपोज, एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, मैंने यहाँ पे सोडियम बताया, सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11। अगर आप इसको बेटा एटम्स एटॉमिक स्ट्रक्चर में अगर आप उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हो तो हम हमेशा इसकी कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हमेशा 3 शेल्स बनते हैं इस तरीके के, ऐसे नहीं, और भी ज्यादा बनते हैं, लेकिन मैं अभी आपको 3 शेल्स बना के बता रही हूं। तो सबसे पहला जो शेल होता है उसमें हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, राइट। फिर उसके अगले वाले में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, फिर उसके अगले वाले में भी 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, लेकिन सोडियम के पास तो बचा ही नहीं, 2+8 यही 10 हो गया, तो बचे कितने इलेक्ट्रॉन्स, 1 इलेक्ट्रॉन बच गया, तो आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो सोडियम सोच रहा है कि मैं 1 इलेक्ट्रॉन का क्या करूं, मुझे तो 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए तभी मैं स्टेबल हो पाऊंगा। तो अब ये बताओ उसको क्या करना पड़ेगा, या तो वो 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ दे या तो 7 मांग ले, कौन सा आसान है? 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ना बहुत आसान है ना, 7 मांगेगा, 7 किससे मांगेगा, तो उसको लगा कि 1 इलेक्ट्रॉन मैं छोड़ देता हूं वो सबसे ज्यादा आसान हो जाएगा मेरे लिए, तो वो 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है, लूज कर देता है 1 इलेक्ट्रॉन। और कई एक ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं और उन्हें सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, तो वो वही इलेक्ट्रॉन ले भी लेते हैं कि लाओ जिसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया है वो मुझे दे दो, मैं स्टेबल हो जाता हूं 8 करके। तो बेटा ऐसे बॉन्ड्स जो इलेक्ट्रॉन्स गेन या लूज करके बनते हैं, गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसे बॉन्ड्स को हम बोलते हैं आयनिक बॉन्ड्स, राइट। लेकिन कई एक ऐसे एलिमेंट्स होते हैं, या एक ही एलिमेंट होता है ऐसा, कार्बन,
जिसके चार इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसके पास चार इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उसके पास तो इतनी प्रॉब्लम है कि उसको समझ ही नहीं आता कि मैं चार इलेक्ट्रॉन गेन करूं कि मैं चार इलेक्ट्रॉन लूज करूं। ठीक है, तो कंफ्यूज ही होता है वो, और इस कंफ्यूजन को देख के बाकी एलिमेंट्स को बोलते हैं कि तुम रहने दो, तुम चार इलेक्ट्रॉन लूज भी मत करो ना, मत ना ही गेन करो, तुम एक काम करो हमारे इलेक्ट्रॉन शेयर कर लो। तो बाकी एलिमेंट्स को उसे कंफ्यूजन देख के दया आ जाती है ना कि अरे ये तो कंफ्यूज हो रहा है, तो इसकी हेल्प कर देते हैं। तो क्या कर देते हैं, शेयर कर लेते हैं कि तुम एक इलेक्ट्रॉन मेरा ले लो, तुम मेरा इलेक्ट्रॉन ले लो और शेयरिंग में रहो, लेकिन हाँ मुझे भी अपना इलेक्ट्रॉन दो फिर, तभी हम शेयरिंग हो पाएगी, एक हाथ दे एक हाथ ले। तो बेटा जो बॉन्ड शेयरिंग से बनते हैं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उनको बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड्स। क्लियर, समझ आया? तो यहां पे क्या लिखा हुआ है, कोवेलेंट बॉन्ड्स होल्ड द एटम्स टुगेदर इन मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूल्स। कैसे, अब मैं बताती हूं आपको कैसे। इसको मैं इरेज करके आपको एग्जांपल देती हूँ कि कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन में आपको कैसे बोल रही हूँ, और मैं मॉलिक्यूलर फॉर्म का बहुत ही आपको आसान से एग्जांपल देती हूँ। तो मैं सबसे पहले आपको एग्जांपल दूंगी हाइड्रोजन का, क्योंकि वो बहुत सिंपल है। अगर बेटा आप हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर देखो तो वो एक ही होता है, तो आउटर मोस्ट में इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। अब इसको एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए। सी, इलेक्ट्रॉन एटम की स्टेबिलिटी के लिए अगर किसी एलिमेंट को स्टेबल होना है, किसी एलिमेंट को स्टेबल होना है, तो या तो उसके आउटर मोस्ट में दो इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, या तो उसके आउटर मोस्ट में आठ इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ये बात याद रख लेना कि या तो दो इलेक्ट्रॉन्स हो तब स्टेबल है, या तो आउटर मोस्ट में आठ इलेक्ट्रॉन्स हैं तब स्टेबल है। अब हाइड्रोजन के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो वो क्या करता है, दूसरे हाइड्रोजन उसको देख के बोलता है भाई देख मेरे पास भी एक ही इलेक्ट्रॉन है, तुम्हारे पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, तो क्यों ना हम शेयर कर लें इलेक्ट्रॉन, क्यों ना हम शेयर कर लें इलेक्ट्रॉन्स। तो हाइड्रोजन ने कहा नहीं आइडिया तो ठीक है, तो हम शेयर कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो हाइड्रोजन क्या करता है, देखो ये रहा हाइड्रोजन, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, ये रहा हाइड्रोजन, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये इसका वाला इलेक्ट्रॉन ले लेता है और ये इसका वाला इलेक्ट्रॉन ले लेता है, और ये क्या बना देता है, ये मॉलिक्यूलर कंपाउंड बन गया, मॉलिक्यूल बन गया H2। तो यहां पे बेटा देखो शेयर हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, वो एक इलेक्ट्रॉन अपना उसको दे रहा है, वो दूसरा वाला अपने आपको दूसरे वाले को दे रहा है। वेयर एज अगर आप बात करो आयनिक बॉन्ड्स की, तो यहां पे क्या लिखा हुआ है, आयनिक बॉन्ड्स होल्ड इट टुगेदर इन सॉल्ट्स। जब सॉल्ट्स बनते हैं, तो सॉल्ट का भी बेटा मैं आपको बहुत आसान से एग्जाम्पल देती हूँ, एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल देती हूँ मैं। तो सॉल्ट का मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ, सॉल्ट का वैसे जनरली जो फॉर्मूला होता है ना, जो बेसिक सॉल्ट की बात करते हो बेटा, तो वो हम बेसिक सॉल्ट बात करते हैं NaCl की। ठीक है, तो इतना आपको पता था कि सोडियम में आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब जो क्लोरीन है बेटा, उसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स है आउटर मोस्ट में, तो ये क्या कर रहा है, सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इसको दे दे रहा है। ठीक है, ये अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो ये कौन सा बॉन्ड बना रहे हैं बेटा, दे आर फॉर्मिंग दी आयनिक बॉन्ड, है ना, गेन और लूज करके बना रहे हैं, तो आपका कंपाउंड बन जाता है NaCl। और NaCl, इसी NaCl को हम क्या बोलते हैं, सॉल्ट बोल देते हैं। क्लियर, तो सॉल्ट जो बनते हैं बेटा, जिसमें आपको जनरली पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दिखेगा, क्यों दिखता है, क्योंकि या तो वहां पे इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा होता है या फिर वहां पे इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा होता है। क्लियर, फिर वो सॉल्ट, तो आपको बेटा आयनिक बॉन्ड सॉल्ट्स में दिखते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड्स आपको मॉलिक्यूलर बॉन्ड्स में दिखते हैं, मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूल्स में। क्लियर, सो एवरी कंपाउंड इज कंपोज्ड ऑफ वन ऑफ दीज टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड। हर कंपाउंड में आपको या तो आयनिक बॉन्ड मिल जाएगा या तो आपको किसी कंपाउंड में कोवेलेंट बॉन्ड मिल जाएगा। ये याद रखना है कि आयनिक बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स या तो गेन करेगा या लूज करेगा, तो आयनिक बॉन्ड फॉर्म होता है। एंड कोवेलेंट बॉन्ड बेटा हमेशा 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 शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से फॉर्म होता है। ठीक है, या आपके डिटेल में भी है बेटा कोवेलेंट कंपाउंड्स, आपके 10th क्लास में आएगा। तो
अभी से कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे शेयरिंग हो रही है, कहाँ पे गेन और लूज हो रहा है, राइट, तो उस हिसाब से आपके बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, ठीक है. सो एक्चुअली अ कंपाउंड इज अ काइंड ऑफ अ मॉलिक्यूल. इट इज अ मॉलिक्यूल ओनली बेटा, राइट, जिसमें बस डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एटम्स कंबाइंड होते हैं. सो द एटम्स दैट जॉइन टुगेदर मस्ट बी डिस्टिंक्ट फ्रॉम वन अनदर फॉर सब्सटेंस टू क्वालिफाई एज अ कंपाउंड. O2 फॉर एन इंस्टेंस इज अ मॉलिक्यूल, नॉट अ कंपाउंड. ये मॉलिक्यूल है बेटा, ठीक है, ये मॉलिक्यूल है. O2 को किसी ने कंपाउंड नहीं बोलना है, ये मॉलिक्यूल है. मॉलिक्यूल इसलिए क्योंकि इसमें सेम एटम्स हैं, इसमें सेम एटम्स हैं, ठीक है. कंपाउंड में आपको दिखते हैं डिफरेंट एटम्स. ऑक्सीजन में तो बेटा एक एटम ऑक्सीजन का है, दूसरा भी ऑक्सीजन का है, सिमिलर एटम्स है तो वो मॉलिक्यूल है, ठीक है, नॉट अ कंपाउंड. जिसमें आपको डिफरेंट एटम्स दिख रहे हैं, जैसे NaCl ये कंपाउंड है, इसमें आपको सोडियम भी दिख रहा है, क्लोरीन भी दिख रहा है, तो ये कंपाउंड है, ठीक है, सिमिलर एटम वाले कंपाउंड नहीं होते. सो ड्यू टू इट्स एटॉमिक कनेक्शन विद अनदर ऑक्सीजन एटम, NaCl however इज अ कंपाउंड सिंस इट इज मेड अप ऑफ टू डिस्टिंक्ट एटम्स दैट आर केमिकली बाउंड टुगेदर, ठीक है. O2 आपको समझ में आ गया, O2 यहाँ पे क्या है, इट इज अ मॉलिक्यूल, और NaCl यहाँ पे क्या है, इट इज एन कंपाउंड. समझ में आ गया सभी को? सो ऐसे ही आपके बेटा कुछ दिए हुए हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ सम कंपाउंड, जिसमें वाटर आपका सबसे पहले एग्जांपल आता है, H2O, जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं. किस रेशियो में कंबाइन करते हैं? 1:8 में, ठीक है. आप इसीलिए एटॉमिक मास यूनिट जब आपने पढ़ी तो वो यहीं पे बेटा अप्लाई होती है कि आप रेशियो जब आपको फाइंड करना है कि किस रेशियो में कंबाइन करेंगे, तो वहाँ पे आप कैलकुलेशन करते हो कि आपको कितने एटम चाहिए होंगे हाइड्रोजन के, कितने एटम चाहिए होंगे आपके ऑक्सीजन के, सो दैट आपका एक कंपाउंड फॉर्म हो जाए. नेक्स्ट आपका है अमोनिया दिया हुआ. अमोनिया में आपके जो एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं वो नाइट्रोजन हाइड्रोजन होते हैं, जो कि 14:3 में होते हैं. कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कार्बन और ऑक्सीजन होते हैं, कार्बन ऑक्सीजन 3:8 के रेशियो में कंबाइन होते हैं, फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं. और समझ लो बेटा ये रेशियो क्या है, ये कांस्टेंट है. आप देख रहे हो ना लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन आपने देखा भी है. तो यहां पे प्रोपोर्शन चेंज नहीं होएगा बेटा, अगर इससे कम ज्यादा हुआ रेशियो में तो कंपाउंड फॉर्मेशन नहीं होगी. तो अब समझो कि एटॉमिक रिलेटिव जो आप मास निकालते हो वो क्यों निकालते हो, कैसे निकालते हो, और आपको जरूरत क्यों पड़ती है. लेट्स सपोज आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक होगी तो आपका वाटर फॉर्म ही नहीं होएगा, कुछ मिस्टेक होगी तो आपका अमोनिया फॉर्म नहीं होएगा, ठीक है. तो लाइक वाइज ये सारी चीज़ें जो आप पढ़ते हो, एटॉमिक मास यूनिट पढ़ते हो, अबाउट द एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स एंड इनके कॉम्बिनेशंस, तो वहां पे बेटा ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है, ठीक है. सभी को समझ में आ गया? तो एक एक्टिविटी है बेटा, एक्टिविटी 3.2 फटाफट देख लेते हैं. रेफर टू टेबल 3.4 फॉर रेशियो बाय मास ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल एंड टेबल 3.2 फॉर एटॉमिक मासेस ऑफ एलिमेंट्स. ये आपके टेबुलर आपके दिए हुए हैं NCERT में. नाउ फाइंड द रेशियो बाय नंबर ऑफ द एटम्स ऑफ एलिमेंट्स इन द मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स गिवन इन टेबल 3.4. तो क्या है बेटा, आपको रेशियो और एटॉमिक मासेस दी हुई हैं ऑलरेडी, आपके बुक में गिवन है. तो आपको फाइंड आउट करना है द रेशियो बाय द नंबर ऑफ एटम्स फॉर अ वाटर मॉलिक्यूल. आपको रेशियो फाइंड आउट करना है वाटर मॉलिक्यूल का, तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे? तो एक बार देख लेते हैं टेबल से. जब आप NCERT खोलोगे तो उसमें आपको एलिमेंट के जो भी आपके कैलकुलेशन के लिए जो भी मटेरियल चाहिए वो सब अवेलेबल है. तो एलिमेंट जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने हाइड्रोजन लिया, तो रेशियो बाय मास उसका 1 है, एटॉमिक मास यूनिट तो 1 है ही. तो फॉर्मूला क्या लगाते हो आप? मास रेशियो बाय एटॉमिक मास, तो 1:1. अब 1/1 की वैल्यू आ जाएगी 1, ठीक है. तो सिंपलेस्ट रेशियो बेटा 2 आ गया, क्योंकि आपके पास 2 हाइड्रोजन है, आपके पास 2 हाइड्रोजन आ गया. समझ आया? अब ऑक्सीजन ले लो, ऑक्सीजन का रेशियो बाय मास है 8, एटॉमिक मास जो है इसका बेटा वो 16 होता है. तो फिर आप फॉर्मुलेशन लगाओगे तो 8/16, फिर आ गया I=1:2, एंड सिंपलेस्ट रेशियो आपकी निकलेगी इट विल बी अराउंड 1. तो ये दोनों कैलकुलेट करके 2:1 में, जैसे ही आपको लिखा हुआ है ना H=O, 2:1 में क्या फॉर्म करेगा बेटा? वाटर फॉर्म करेगा.
क्या फॉर्म करेगा? वाटर फॉर्म करेगा. क्लियर? ऐसे ही आपको डिफरेंट डिफरेंट रेशियो बाय मास और एटॉमिक मास की वैल्यू आपको दी हुई होगी ऑलरेडी. आपको सिंपल फाइंड आउट करना है कि सिंपलेस्ट रेशियो क्या निकलेगी हर एलिमेंट की एंड कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स से फिर उसके बाद वो कंपाउंड फॉर्म होएगा. समझ में आ गया सभी को? सो यस, दिस वॉज ऑल अबाउट दिस लेक्चर. यहाँ पे इस लेक्चर में हमने एटॉमिक मास समझा, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड अबाउट द मॉलिक्यूल्स. एंड कोई मॉलिक्यूल इंडिपेंडेंटली अकर करते हैं, कोई मॉलिक्यूल्स आपके व्हाट डू वी कॉल इट एज मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं. अब आपके मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं कंपाउंड फॉर्म में, वो सॉल्ट में होते हैं या तो मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स में होते हैं. सॉल्ट बनता है बेटा गेन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से, मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स बनते हैं शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से. ठीक है, ये कॉन्सेप्ट बार बार समझना है. ठीक है, और इसको डिटेल में हम आगे अगले आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे. राइट, तो अब बाकी जो आपके टॉपिक्स रह गए हैं वो हम अगले दो लेक्चर्स में इसको कवर कर लेंगे. राइट, टिल देन कीप स्टडिंग, कीप लर्निंग, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू.